सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी ठंडी छाछ राबड़ी पीने के बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसके अंदर बहुत ही अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि हम इसे बाजरा और मोठ से बनाते हैं, तो ये हेल्थ को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ही हेल्पफुल है। ठंडी ठंडी छाछ राबड़ी पीने से गर्मियों में लू से बचा जाता है और शरीर को एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। छाछ राबड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए बाजरे का आटा और मोठ का आटा। मार्केट में बाजरे का आटा मिलता है और मोठ का आटा भी मिलता है, और अगर आप इसे घर पे बनाना चाहते हैं तो एक एक बाउल अलग अलग इसे मिक्सी में पीस कर आटा बना करके रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े बाउल में एक बड़ा चम्मच बाजरे का आटा लिया है और एक बड़ा चम्मच मोठ का आटा लिया है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे और एक से दो ग्लास इसके अंदर छाछ डाल देंगे। विस्क से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो से चार मिनट तक इसे मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें कोई भी गांठे नहीं रहें। सो आटे को छाछ के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। चार से पाँच घंटे के लिए इसे प्लेट से ढककर साइड में रख देंगे ताकि ये फर्मेंट हो जाए। जैसे इसे बनाने के लिए मैंने इसे दोपहर के 3 बजे इसे फर्मेंट होने के लिए रख दिया है मिक्स करके। अब शाम के 8 बज रहे हैं, अब हम इसे बॉईल करेंगे। सो ये देखिए, बैटर एकदम रेडी हो गया है। पानी ऊपर आ गया, आटा नीचे रह गया है। अब एक पैन में एक गिलास पानी डालेंगे और इस पूरे मिक्सचर को इस गर्म पानी के अंदर डाल देंगे और गैस को मीडियम से लो फ्लेम पर रखेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता तब तक हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। तो इसमें उबाल आ गया है, गैस बिल्कुल धीमी कर देंगे और इसे पकाते रहेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट में हम इसे पकाएंगे और इसका टेक्सचर एकदम गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, तो ये बन चुकी है। सो राबड़ी बनकर रेडी है। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर इसके बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए और सुबह इसे सर्व करेंगे। सो राबड़ी को मैंने फ्रिज में रात भर रख दिया था, ये ठंडी हो चुकी है। अब इसे सर्व करने के लिए मैंने एक ग्लास लिया है, इसमें हाफ ग्लास राबड़ी डाल देंगे। ठंडी ठंडी राबड़ी के ऊपर ठंडी ठंडी छाछ डाल देंगे, बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। छाछ, राबड़ी और प्याज गर्मियों में लू से बचाता है और इम्यूनिटी को भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग करता है। एक से दो आइस क्यूब्स डाल देंगे, थोड़ा सा इसके अंदर भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे, काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और सेंधा नमक डालकर इसे मिक्स करके मज़े से पिएंगे। गर्मियों में इसे ज़रूर बनाकर पिएं। जब भी गर्मियां आती हैं, राजस्थान की भयंकर गर्मी लू से बचाने के लिए, हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए हमारे घर में ही डेली ये छाछ राबड़ी ज़रूर बनती है और हम सब इसे मॉर्निंग के टाइम में ही पी लेते हैं ताकि पूरा दिन भर गर्मी में लू से बचे रहें। सो कैसी लगी आप सभी को ठंडी ठंडी छाछ राबड़ी की ये रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।